नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 22 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी यूजर के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो, हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर बिहार सरकार देगी पैसे। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री करवाने की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। आज धूमधाम से मनाया जाएगा राखी का त्योहार। जातीय जनगणना के मुद्दे पर 23 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने वरिष्ठ निवासी के पद पर निकाली रिक्त किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने वरिष्ठ निवासी के 5 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो यह त्वचा विज्ञान तय की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो अभ्यर्थी जिनके पास प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD DNB M डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए 28 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aimspatna.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। आज धूमधाम से मनाया जाएगा राखी का त्योहार। आज बिहार समेत पूरे देश में राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। राखी के इस पावन मौके पर आज बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना करेंगी। हालांकि इस साल की राखी कई मायनों में खास बताई जा रही है। ज्योतिषों के अनुसार 474 साल बाद राखी पर एक महासंयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस साल 2021 में रक्षाबंधन का त्यौहार गजकेश्वरी योग में मनाया जाएगा। हालांकि बाजार में राखी को लेकर काफी धूम देखने को मिली। बाजार में हर तरफ कच्चे सूत से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे, सोने और चांदी तक का राखी देखने को मिला। वहीं आज बिहार सरकार ने सभी बहनों को सिटी सर्विस बसों में मुफ्त में यात्रा की छूट दी। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत विभाग ने खराब पड़े सर्वर को ठीक करने का काम तो कर ही लिया है और अब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली कंपनी ने सर्वर में आई गड़बड़ी को ध्यान में रख इस महीने के आखिर तक वैसे उपभोक्ताओं को बिजली जमा करने में छूट दी है जिन्हें 15 अगस्त तक ही बिल जमा करना था। इस संबंध में बिजली कंपनी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के विपत्र भुगतान की देय तारीख 30 जुलाई से 15 अगस्त तक थी, उनकी तारीख 31 अगस्त तक विस्तारित समझी जाएगी। अब राजगीर जाना हुआ आसान। बिहार के नालंदा जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए वान गंगा में SDM ऑफिस तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का निर्देश दिया था। सीएम खुद इस मामले को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहे थे। उसी निर्देश के अनुपालन में पथ निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार की भी सहमति मिल गई है। इस पूरे प्रकरण को मिली जानकारी के अनुसार राजगीर के वान गंगा से SDM कार्यालय तक गया बिहार शरीफ नेशनल हाईवे पर 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। इस एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के निर्माण में कुल 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री करवाने की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। बिहार में जमीन खरीदना, उसकी रजिस्ट्री करवाना या फिर जमीन बंटवारे के बाद उसकी रजिस्ट्री करवाने में ढेर सारे लफड़े होते हैं। खासकर सबसे ज्यादा माथापच्ची जमीन खरीद बिक्री के दौरान होने वाले म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज करवाने में हो जाती है। हालांकि अब जमीन रजिस्ट्री करवाने की व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। इस व्यवस्था में सरकार IIT रुड़की की टीम से सहयोग लेने वाली है। दरअसल 20 अगस्त को ही सर्वे भवन में IIT रुड़की की टीम ने इस व्यवस्था का एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कम समय और कम लोगों के सहयोग से ही म्यूटेशन होने का दावा किया गया। इस प्रक्रिया के लागू हो जाने के बाद रजिस्ट्री के लिए कोई आदमी अर्जी देते हैं तो सबसे पहले सर्वेयर या अमीन उस जमीन के प्लॉट पर जाएंगे, उसके बाद वो जमीन के प्लॉट का नक्शा बनाएंगे। नीतीश ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद से प्रदेश के कई नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिहार में 15 से 20 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति में थोड़ी कमी भले आई है, लेकिन लोग प्रभावित हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार बीते दिन समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी साथ में थे। सीएम नीतीश कुमार बीते दिन समस्तीपुर में कई जगहों पर जाकर बाढ़ का निरीक्षण करते देखे गए। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे तो वहीं
वहीं JTA कॉलेज में आपदा राहत केंद्र और ITI मोहिद्दीन नगर पशु राहत शिविर का भी निरीक्षण उन्होंने किया, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और आवश्यक निर्देश भी जारी किया। के जरिए फल सब्जी बेचेंगे किसान। राज्य सरकार सब्जी उत्पादन किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें केवल तरकारी ऐप पर सब्जी की मात्रा और दर डालनी होगी। उसके बाद सब्जी उत्पादकों की समिति खुद उनके खेत में जाकर सब्जी खरीदेगा। बताया जा रहा है कि सहकारिता विभाग बहुत जल्द तरकारी ऐप विकसित कर किसानों के लिए जारी कर देगा। खास बात यह है कि यह ऐप इंटरैक्टिव होगा, यानी कि दोनों तरफ से दर को लेकर मोलजोल किया जा सकेगा। साथ ही यह जानकारी भी दी जा सकेगी कि उनके खेत की सब्जी किस दिन कितनी मात्रा में तोड़ी जा सकेगी। इसको लेकर शर्त बस इतनी है कि सब्जी उत्पादक किसानों को अपने जिले के सब्जी उत्पादक समिति से जुड़ना होगा। अभी राज्य के मात्र लगभग 25,000 किसान ही समितियों से जुड़ सके हैं। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गंगा देवी की। गंगा देवी एक भारतीय चित्रकार थी, जिन्हें कई लोग मधुबनी चित्रकला परंपरा के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक मानते हैं। उन्हें भारत के बाहर मधुबनी पेंटिंग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म 1928 में भारत के बिहार राज्य के मिथिला में एक कायस्थ परिवार में हुआ था और उन्होंने पारंपरिक पेंटिंग शिल्प को अपनाया, जो कचनी शैली में विशेषज्ञता रखते थे। उसने अपने कला के साथ विदेश यात्रा की और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत महोत्सव का एक हिस्सा भी थी, जिसमें मॉस्को होटल, अमेरिकन फोक लाइफ का महोत्सव और रोलर कोस्टर में सवारी सहित अमेरिकी श्रृंखला शीर्षक के तहत कई पेंटिंग मिली। भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय मास्टर शिल्पकार पुरस्कार से सम्मानित किया और इसके बाद 1984 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी उन्हें किया गया। आशा कार्यकर्ता अब होंगी डिजिटली आत्मनिर्भर। सुदूर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवा देने वाली 91,000 से अधिक आशा और आशा फैसिलिटेटर का भुगतान अब आसान हो गया है। आशा कार्यकर्ताओं की इस समस्या के लिए बिहार सरकार ने दिसंबर 2020 से ही अश्विनी पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के माध्यम से अब आशा और आशा फैसिलिटेटर को न सिर्फ ससमय भुगतान हो रहा है, बल्कि अब सभी आशा कार्यकर्ता अपने द्वारा की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा भी इस पोर्टल पर फीड कर रही है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अब बिहार भी आशा फैसिलिटेटर की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 87,699 आशा और 4,261 आशा फैसिलिटेटर मौजूद है। पंचायतों को विकसित करने के लिए शुरू होगा घर घर सर्वे का काम। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा लगभग तय कर दी गई है। वहीं तारीख के ऐलान के साथ ही पंचायतों को लेकर खास तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार पंचायत चुनाव के बाद पंचायतों को विकसित करने का काम किया जाएगा। इस बाबत घर घर सर्वे का काम शुरू होगा। इसके साथ ही पंचायतों के विकास योजनाओं को लेकर एक अलग पदाधिकारी की नियुक्ति करने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि गांव को विकसित किया जा सके। पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार ने भी राज्यों के लिए राशि उपलब्ध करवा दी है। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले में मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज अधिकतर स्थानों पर बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले के कुछ ही स्थानों पर बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है। पटना मेट्रो डिपो के लिए चाहिए 75 एकड़ जमीन। पटना मेट्रो डिपो के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होने वाला है। इस बाबत एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किसी मौजा से में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा के करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जो कि जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। ज्ञात हो डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसान की जमीन के अधिग्रहण का काम होना है। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गई है। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड
एक्टर ने दी प्रतिक्रिया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में द फैमिली मैन 2 के वेब सीरीज में बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की उपलब्धि से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर अब एक्टर ने खुद ही अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह पूरी टीम के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाली बात है। यह मेरे साथ साथ पूरी टीम के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि फिल्म हो या वेब सीरीज टीम वर्क ही मायने रखता है। हाँ, मेरा किरदार श्रीकांत तिवारी का है, सभी को पसंद आया और अब दुनिया के शीर्ष शो में से एक है, इसीलिए मुझे खुशी है कि वेब सीरीज काम कर गई, इसे विश्व स्तर पर प्यार मिला है, यह शानदार है। या विवादित स्थलों पर नहीं बनेगा एक भी बूथ। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत आयोग ने नए सिरे से मतदान केंद्र को लेकर जिलों के दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। आयोग ने साफ कह दिया है कि जर्जर भवन या विवादित स्थल पर मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना तय है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिलों के निर्वाची पदाधिकारी के नाम एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि 2016 में पंचायत चुनाव के पहले स्थापित किए गए मतदान केंद्रों का सत्यापन नियुक्त किए गए प्रेक्षकों से कराया गया था, लेकिन बाद में इसमें भी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके तहत ही कई ऐसे केंद्र बना दिए गए थे जहां छत नहीं थी और न ही दरवाजे खिड़कियां थी। परीक्षा में सफल होने पर बिहार सरकार देगी पैसे। इसी महीने से सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित होने वाला है। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग एक सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लाभ के लिए दफ्तर आने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा में आपका चयन हुआ तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी इसके लिए बन रहे विभाग के साइट पर डालेंगे, वैसे ही आपके खाते में 50,000 रुपए पहुंच जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार विभाग की कोशिश है कि आवेदन आने के 10 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि संबंधित महिला के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाए। मछली पालकों को बिहार सरकार ने दी बड़ी सौगात। बिहार के सभी मछली पालकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार मछली उत्पादकों को 90% तक अनुदान देने का फैसला ले चुकी है, जिसके तहत बिहार सरकार नया तालाब और हेचरी निर्माण में यह अनुदान देने वाली है। इसके साथ ही मछलियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए वाहन और आइस बॉक्स की खरीद के लिए अनुदान देने का काम करेगी। फिलहाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर सरकार ने अपने मद से 17 करोड़ की राशि की स्वीकृति भी दे दी है। इसमें निजी जमीन पर बनाए गए तालाब की योजना में भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने उत्पादित मछलियों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचा देने में भी अनुदान देने का निर्णय लिया है। मुद्दे पर 23 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। जातीय जनगणना के मुद्दे पर 23 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम नीतीश के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा की तरफ से मंत्री जनक राम शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि पीएम मोदी से मिलने का समय मिल गया है। इसमें सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा, जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल होंगे, जिसके तहत अब पीएम मोदी से मिलने वालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही भाजपा कोटे से मंत्री जनक राम के साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, महबूब आलम, अख्तरुल इमाम, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, मंत्री मुकेश सहनी, सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार समेत 11 नेताओं का दल 23 अगस्त यानी कि सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। टीकाकरण की स्टेट रैंकिंग में इस जिले को हुआ नुकसान। कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य स्तर पर रैंकिंग जारी की गई है। ताजा रैंकिंग में बिहार के एक जिले को नुकसान हुआ है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ताजा रैंकिंग में गया को 11वां स्थान हासिल हुआ है। पहले यह जिला 8वें स्थान पर था। जानकारों की माने तो गया जिले की यह रैंकिंग जिले में टीके में आई कमी के कारण हुई है। वहीं इस सूची में सबसे पहला स्थान राजधानी पटना का था। नेशनल रैंकिंग की बात करें तो पटना का स्थान 10वां रहा। अधिकारियों की माने तो कोरोना के माहौल के बीच वैक्सीन बर्बादी एक अहम समस्या है। यही कारण है कि जिलों में टीकाकरण पर भी इसका असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने रोहतास से शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। भाजपा इन दिनों पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने की योजना के साथ काम कर रही है, जिसके तहत ही कई राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो गई है। इसी कड़ी में बिहार में भी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी गई थी, जिसके तहत ही बीते दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह रोहतास जिला पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत के तहत उन्होंने कहा कि देश को महान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात काम कर रहे हैं। पीएम का कहना है कि देश की जनता ने उन पर 2014
2014 में विश्वास कर उन्हें जिताया और 2019 में भी उनका विश्वास कायम रहा। हम गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, 7 वर्षों में हमने जो काम किया उतना पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर सकी थी। सड़कों को हो रही परेशानी पर भड़के गिरिराज। पिछले कई दिनों से केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। इसी कड़ी में वो बीते दिन अपने दौरे के दौरान ही बेगूसराय जिले में ही थे, जहां वो बैठक के दौरान अचानक से नाराज हो गए। दरअसल उनकी ये नाराजगी शहर से लेकर गांव तक की सड़कों की बेहाल हालात को लेकर थी, जहां विकास के नाम पर सड़कों को जहां तहां खोदकर छोड़ दिया गया था। इस दौरान गिरिराज सिंह ने अधिकारियों से पूछा कि क्या हम 1.5 साल या 2 साल के समग्र विकास की योजना नहीं बना सकते हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 3 बार कटाई और 3 बार खुदाई से पब्लिक भी अब परेशान है। राजद में मचे घमासान पर कला संस्कृति मंत्री ने दिया बयान। राजद में दोनों भाइयों के बीच जारी लड़ाई पर अब राजद के विरोधियों ने बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इस मुद्दे को लेकर कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि इस समय लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। दोनों भाई अपना वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं। यह उनका पारिवारिक लड़ाई है जो पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। यह उनका आंतरिक मामला है और जनता सब देख रही है। आलोक रंजन झा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों को बिहार की चिंता कम अपनी चिंता अधिक है। तेज प्रताप चाहते हैं कि हम बड़ा बेटा हैं तो मेरा ज्यादा चले, तेजस्वी चाहते हैं कि हम सब कुछ हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले यह लड़ाई बहन के साथ थी, अब दोनों भाइयों के बीच हो गई है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से लगाया आरोप। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर पत्र के माध्यम से तंज कसा है, जिसके तहत इस बार उन्होंने जमुई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जमुई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव बहुत पहले ही मंजूर किया जा चुका था। 2014 से 19 के कार्यकाल के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार की तरफ से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से इस बाबत कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है। जब तक सरकार टेंडर नहीं निकालेगी, काम शुरू नहीं हो सकेगा। जारी किए गए पत्र में उन्होंने सरकार उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के पहले प्रवीण पायलट इंद्राल राय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में उनकी जान चली गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1921 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में लोकसभा भंग की। राज्य सरकार ने 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में वनवासियों के लिए साधारण वन अपराध मामले पर मुआवजा वसूली खत्म करने का निर्णय लिया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ चिरंजीवी का जन्म 1955 को आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन होस्टिंग का निधन 1818 में आज ही के दिन हुआ था। बुमराह की पारी को लेकर पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी ने दिया बयान। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में भारत के तेज गेंदबाजों ने बल्लेबाजी में भी कमाल किया है। लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह और शमी ने मुश्किल वक्त में 89 रनों की बेहतरीन साझेदारी कर इंग्लैंड से जीत का विकल्प ही छीन लिया था। मोहम्मद शमी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और उनका बखूबी साथ दिया जसप्रीत बुमराह ने। दोनों नाबाद रहे। शमी 56 रन बनाकर लौटे, जबकि बुमराह ने 34 रनों की पारी खेली थी। दोनों की इस अद्भुत पारी को इंग्लैंड नहीं भूल पा रहा है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने अब दोनों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अपनी दुनिया पागल हो गई है, जैसे पूरी दुनिया के सभी लोग एकदम से पागल हो गए हैं जब मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 5वें दिन 89 रनों की साझेदारी कर डाली। किसी ने भी नहीं सोचा था, यहां तक कि उन दोनों के माता पिता ने भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। व्हाट्सएप के मल्टी डिवाइस 2.0 पर शुरू हुआ काम। व्हाट्सएप समय समय पर यूजर के लिए नए नए फीचर को रोल करता रहता है। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप ने कथित तौर पर मल्टी डिवाइस सपोर्ट के 2.0 वर्जन पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द ही यूजर को नए लिंक्ड डिवाइस के तौर पर आईपैड ऐड करने की अनुमति दे सकता है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने बीटा टेस्टर्स के लिए मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर की जल्द पहुंच की घोषणा की थी। बीटा टेस्टर फीचर का टेस्टिंग कर सकते हैं और इसके बारे में वैल्यूएबल फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। फीडबैक के आधार पर व्हाट्सएप स्टेबल रोल आउट पर विचार करेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है पंकज यादव, उमेश कुमार, इंद्रदेव कुमार, सुजीत कुमार, ओम कृष्णा, अरविंद कुमार, अपीन यादव, पप्पू कुमार, अनुरूप राज, कुंदन कुमार, राजीव सिंह, अरविंद कुमार, तेजू मेहता, ओमकार सिंह, वेद प्रकाश कुमार, रविकांत शर्मा, गौरव कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए
चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज राखी के मौके पर आप देश की तमाम बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।